कोई चौखट पर सालों से इंसाफ की गुहार लगा रहा है, तो कोई जुर्म करके भी जेल में होली दिवाली मना रहा है। अगर नींद से जाग गए तो सत्ता का संताप सता रहा है, और कोई अचानक सियासी समर में कूद कर लोकतंत्र को खतरे में बता रहा है। आज राजनीति में जिसका जिक्र हम करेंगे वो इन्हीं अल्फाज के आसपास घूमती नजर आएगी। बेशक जिक्र तीन सियासतदानों का होगा, लेकिन तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए नजर आएंगे, और तीनों का सियासी मैदान भी होगा एक ही। हत्या करने वाला, हत्या की साजिश रचने वाला और शिकार होने वाला शख्स सीधे तौर पे एक ही चुनावी मैदान से जुड़ा है। जी हाँ, आइए तो बिना देर किए हम रुख करते हैं झारखंड विधानसभा के सियासी समर। झारखंड विधानसभा चुनाव, जहां सियासी बिसात बीत चुकी है, अब बाजियां लगेंगी। हर एक मोड़ पर होगा शह और मात का खेल। सियासत के इस नाजायज खेल का कश्मकश देखिए कि हर चाल जायज लगेंगी और लगनी भी चाहिए, क्योंकि खेल सत्ता हथियाने का जो है। जनता द्वारा जनता को जनता के लिए मूर्ख बनाने का जो है। 82 सीटों वाली झारखंड विधानसभा की हर सीट का कमोबेश यही सूरत हाल है। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प और मौजूदा सियासत के हालात पर सटीक बैठती सीट है रांची की तमाड़ विधानसभा सीट। जी हां, वही तमाड़ विधानसभा, जहां से कभी रमेश सिंह मुंडा ने सियासी सफर की शुरुआत की थी। आज हम जिस विधानसभा का जिक्र करने जा रहे हैं, यूं तो वहां से पहले भी कई सियासतदान जीत कर विधानसभा तक पहुंचे और माननीय मंत्री तक बन गए, लेकिन रमेश मुंडा का जिक्र इसलिए भी लाजमी है क्योंकि रमेश मुंडा आज के बाहुबल और खूनी खेल की कहानी का सबसे अहम किरदार है। जी हां, मरहूम रमेश सिंह मुंडा तमाड़ विधानसभा से एक बार नहीं बल्कि दो दो बार जीते। जनता ने इन्हें अपनी मोहब्बत से नवाजा। कहते हैं रमेश मुंडा जब इस इलाके की रहनुमाई कर रहे थे, उस वक्त आदिवासी बहुल इस विधानसभा में विकास की बयार तेजी से बही और जुर्म की रफ्तार थम गई। यही वजह है कि इलाके के लोग रमेश मुंडा में एक बेचैन मंत्री का अक्स देखने लगे, और दूसरी बार जीत के बाद लोगों का सपना पूरा हुआ और रमेश मुंडा की चाहत। मुंडा झारखंड की सरकार में माननीय मंत्री बन गए, पर विकास की राह में रोड़ा बने कई ऐसे भी थे जिनकी ख्वाहिश सियासी बैतरनी को पार करने की थी, लेकिन हाथ में पतवार जुर्म का था, लिहाजा ख्वाहिश को हकीकत की शक्ल देना आसान नहीं था, और उस पर माननीय मंत्री रमेश मुंडा की लगाम फिर क्या था। जुर्म के बिसात पर मोहरे मंत्री को मात देने लगे, और एक वक्त ऐसा आया जब शह और मात के खेल में मोहरों ने मिलकर वजीर को मौत दे दी। वो तारीख थी 9 जुलाई 2008। झारखंड के कद्दावर सियासतदान और मौजूदा सरकार के मंत्री की हत्या अखबारों की सुर्खियां बनी। अपनों ने चीख चीख कर कातिल का नाम कहा। मौके से पुलिस को तमाम सबूत मिले, लेकिन कातिल नहीं मिला। आखिर कौन था रमेश सिंह मुंडा का कातिल? ये बात और है कि सियासत के सफर पे रहने के दौरान रमेश मुंडा की अदावत न जाने कितने लोगों से हुई होगी, लेकिन एक शख्स, जी हाँ, एक शख्स ऐसा था जो जुर्म के रास्ते पर चलकर सियासी सफर में दौड़ लगाना चाहता था। वो रमेश मुंडा का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया।
कृष्ण गोपाल पातर उर्फ राजा पीटर, यही नाम था उस शख्स का जो आज की हमारी कहानी का दूसरा किरदार भी है। गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर, जी हाँ, हमारी कहानी के दूसरे किरदार का यही नाम है। लंबी जुल्फ इसकी पहचान हो सकती है, लेकिन गुनाह की दुनिया में इसके लंबे हाथ की पूरी कहानी आज हम आपको बता रहे हैं। यूं तो राजा पीटर के पिता का नाम आदिवासी समाज अदब से लेता था, नाम सम्मान शोहरत सब हासिल था राजा पीटर के पिता को। यूं तो बचपन से राजा पीटर की ख्वाहिश भी पिता के रास्ते पर चलकर समाज में अपनी पहचान बनाने की थी। जिंदगी के कुछ सालों तक वो उस रास्ते पर चला भी, टाटा स्टील में नौकरी की। नौकरी मिली तो जिंदगी में मनीषा नाम की लड़की हम सफर बनकर दाखिल हुई। खुशनुमा माहौल में जिंदगी रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ने लगी, लेकिन इसी दौरान गुनाह की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले कुछ लोग भी उसकी जिंदगी में शामिल हुए। उनमें एक था जमशेदपुर का रहने वाला कुख्यात सरगना यूनुस और दूसरा यूनुस का साथी शेखर शर्मा। एक बार की बात है, शेखर शर्मा को राजा पीटर ने अपने घर पर दावत पर बुलाया, जमकर खातिरदारी भी की, लेकिन इसी दौरान शेखर शर्मा की नीयत राजा पीटर की पत्नी पर खराब हो गई। इतना ही नहीं, उसने उसके साथ छेड़छाड़ भी की। पति होने के नाते राजा पीटर ने शेखर शर्मा की इस हरकत का विरोध किया, लेकिन जुर्म की दुनिया के कुख्यात सरगना शेखर शर्मा को राजा पीटर का विरोध इस कदर नागवार गुजरा कि उसने उसे तमाचे भी जड़ दिए। जी हाँ, यही वो मौका था जिसके बाद राजा पीटर बदले की आग में जलता रहा और धीरे धीरे जुर्म की दुनिया में उतरता चला गया। शेखर शर्मा से बदले की आग में जलते राजा पीटर ने धीरे धीरे अपना गिरोह तैयार करना शुरू कर दिया, और फिर एक दिन वही हुआ जो होना तय था। शेखर शर्मा की हत्या हुई और उस आरोप में राजा पीटर की जिंदगी जेल की सलाखों में कैद होकर रह गई। लेकिन जेल की सलाखों के पीछे से भी वो गुनाह की दुनिया में दखल देता रहा। स्क्रैप के धंधे पर कब्जा, हत्या, लूट, या यूं कहें जुर्म का ऐसा कोई दाग नहीं था जो राजा पीटर के दामन पर न लगा हो। ये वो दौर था जब जमशेदपुर में सरेआम हत्या की वारदात हो रही थी, अपहरण उद्योग बन चुका था और बाहुबल के दम पर गुनहगार सियासत में लगातार दाखिल हो रहे थे। वो साल 1995 जब तेज तर्रार आईपीएस अजय कुमार को जमशेदपुर का कप्तान बनाया गया, और जैसे ही अजय कुमार ने जिले की कमान संभाली अपराधियों के पांव उखड़ने लगे। राजा पीटर जिला बदर कर दिया गया। बेशक इस दौरान वो जेल से बाहर था, लेकिन माली हालत खराब होने की वजह से वो गुर्बत की गिरफ्त में चला गया। यही वो मौका था जब वो सियासी नेताओं की सरपरस्ती हासिल करने की कोशिश करने लगा। सबसे पहले वो बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा के करीब आया। अर्जुन मुंडा के सियासी रसूख ने कृष्ण गोपाल पातर उर्फ राजा पीटर के जहन में भी सियासत की चिंगारी जला दी। वक्त के साथ चिंगारी सुलगने लगी, और सियासत की वो चिंगारी तब शोले की शक्ल अख्तियार कर गई जब आईपीएस अजय कुमार का तबादला हुआ। साथ ही शेखर शर्मा हत्या मामले में साक्ष्य के अभाव में उसे तमाम आरोपों से बरी कर दिया गया। लेकिन तब तक इलाके में एक बाहुबली के तौर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो चुका था राजा पीटर। सियासत में कामयाबी के लिए राजा पीटर को जरूरत थी और तलाश थी एक ऐसे साथी की जो आदिवासी बहुल इलाके में अपनी पैठ रखता हो। उसकी तलाश पूरी भी हुई,
और साथ मिला माओवादी नेता और गुनाह की दुनिया का कुख्यात कुंदन पाहन का। जी हाँ, वही कुंदन पाहन जो आज की राजनीति का हमारा तीसरा किरदार भी है। राजा पीटर ने कुंदन पाहन के साथ नजदीकियां बनानी शुरू कर दी। बेशक कुंदन और राजा पीटर की राहें अलग थी, लेकिन दोनों की ख्वाहिश एक। शहरत की बुलंदियों को हासिल करने के लिए कुंदन पाहन गुनाह की गलियों में जुर्म की इबारत लिख रहा था, और कृष्ण गोपाल पातर उर्फ राजा पीटर सियासत की कुर्सी पर नजरें जमाए बैठा था। वो साल था 2005, जब राजा पीटर तमाड़ विधानसभा क्षेत्र से सियासी समर में उतरा, लेकिन इस सियासी समर में वो रमेश मुंडा से शिकस्त खा गया, और इसी हार ने उसके जहन में वो जख्म दिए जिसकी टीस हर वक्त उसे परेशान करने लगी। अब जरा तफसील से समझिए। शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि इस कहानी के तीन किरदार हैं। पहला रमेश मुंडा, दूसरा राजा पीटर और तीसरा कुंदन पाहन। रमेश मुंडा जब प्रदेश में मंत्री बने, उसके बाद माओवादियों की हरकतों पर नकेल कसने के लिए उन्होंने तमाम ऑपरेशन चलाए, जिसकी वजह से कुंदन पाहन उनका दुश्मन हो गया। सियासत में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस फलसफे को पूरी तरह सीख चुका था राजा पीटर। लिहाजा उसने कुंदन पाहन के साथ मिलकर रमेश मुंडा के मौत की साजिश रच डाली। राजा पीटर ये भी जानता था कि रमेश मुंडा के जीते जी उसकी ख्वाहिशें कभी मुकम्मल नहीं हो सकती, लिहाजा वो कुंदन का मददगार बन गया, और दोनों ने मिलकर साजिश को हकीकत की शक्ल में सामने लाने की कोशिश शुरू कर दी। इस बीच कई मुद्दों पर रमेश मुंडा की कुंदन पाहन के साथ सीधे तौर पर अदावत भी शुरू हुई। यही वो वक्त था जब रमेश मुंडा ने कहा था कि तमाड़ में पानी से सस्ता खून हो गया है, और हालात कुंदन के सफाए से ही काबू में आ सकते हैं, लिहाजा रमेश मुंडा ने कुंदन पाहन पर नकेल कसने के लिए तमाम कवायद करनी शुरू कर दी। सत्ता रमेश मुंडा के साथ थी, लिहाजा कानून के मुलाजिम उसके पहरेदार। पुलिस के पहरे में वो खुद को महफूज समझ बैठा था, लेकिन गुनाह के दुनिया के शातिर खिलाड़ी हर वक्त अपनी साजिश को अंजाम देने की फिराक में लगे थे। और फिर वही हुआ, अपनी साजिश के तहत उसके कुनबे में लगे एक पुलिस के मुलाजिम को अपना बना लिया, और जैसे ही पुलिस का वो मुलाजिम विभीषण की भूमिका में सामने आया, वही हुआ जिसका अंदेशा था। वो तारीख थी 9 जुलाई 2008। रमेश मुंडा को उस वक्त मौत के घाट उतार दिया गया जब वो इलाके के ही एक स्कूल के जलसे में पहुंचे थे। मौत के इस खेल को अंजाम दिया कुंदन पाहन ने, और उसकी मौत की साजिश के पीछे था राजा पीटर। जी हाँ, इस कहानी का दूसरा किरदार जो पहले किरदार को रास्ते से हटाकर खुद तमाड़ का नेता बन गया। ये बात हर किसी की जुबान पर थी कि रमेश मुंडा की हत्या में राजा पीटर और कुंदन पाहन का हाथ है, लेकिन रसूख और बाहुबल के दम पर राजा पीटर ने खुद को बचाए रखा। रमेश मुंडा की हत्या ने झारखंड की सियासत में उबाल ला दिया, लेकिन राजा पीटर खुद के दामन को बचाता रहा। इसी दौरान उसने तमाड़ में अपना कद इतना बड़ा कर लिया कि रमेश मुंडा की हत्या के बाद वहां हुए उपचुनाव में उसने मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन जैसे कद्दावर नेता को शिकस्त देकर माननीय की हैसियत हासिल कर ली। फिर क्या था, गुनाह की कालिख से दागदार दामन को धोने में वो पूरी तरह कामयाब रहा। कहते हैं ना, रुपहले पर्दे पर फिल्म बेशक नायक की बनती रही हो, लेकिन सियासत में आवाम हमेशा खलनायक के ही साथ होती है। रमेश मुंडा की हत्या के मामले में हमेशा कानूनी शिकंजे से दूर रहा राजा पीटर।
लेकिन वक्त कभी किसी का नहीं होता। राजा पीचर के मामले में भी वक्त ने करवट ली और मामले की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी से कराने की मांग उठने लगी। तारीख 18 जून 2017, 10 साल बाद मामले की जांच एनआईए के हाथ आई और फिर संदिग्ध आरोपियों को दबोचने की कार्रवाई शुरू हुई। सबूत जुटाए गए। बेशक जांच की आंच में खुद को बचाने के लिए राजा पीटर जुगत में जुटा रहा, लेकिन न रसूख काम आई और न ही बाहुबल। कुंदन पाहन ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और अपने तमाम गुनाह कबूल कर लिया। फिर क्या था, एनआईए की गिरफ्त से राजा पीटर की गिरेबान बच नहीं पाई और वो गिरफ्तार कर लिया गया। राजा पीटर और कुंदन पाहन दोनों को जेल की सलाखों में कैद कर दिया गया। लेकिन सच तो यह है कि सियासत बदस्तूर जारी है। बेशक उसके गुनाहों के मद्देनजर अदालत ने राजा पीटर की जमानत नामंजूर कर दी, लेकिन उसे उसका रसूख ही कहेंगे कि अदालत ने मौजूदा विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने की उसे इजाजत दे दी है। न सिर्फ राजा पीटर को बल्कि कुंदन पाहन को भी। सियासत के दांव पेच का दुष्यंत बेशक जेल में है, लेकिन सत्ता पाने के लिए उसकी शकुंतला आवाम के बीच भरोसे की इत्तला दे रही है। साथ ही कुंदन पाहन ने भी तमाड़ विधानसभा से ही सियासी समर में ताल ठोंक दी है। साथ ही विधानसभा सीट पर रमेश मुंडा के बेटे विकास मुंडा भी पिता के विकास कार्यों का हवाला देकर चुनावी मैदान में है। तमाड़ विधानसभा सीट जहां हर किसी के अपने वायदे हैं, लेकिन कहानी एक किरदार से शुरू होकर फिलहाल एक ही पर खत्म होती दिखाई दे रही है, क्योंकि मौजूदा वक्त में रमेश मुंडा की हत्या की साजिश रचने वाला राजा पीटर राष्ट्रवादी कांग्रेस की घड़ी को अपनी कलाई से चिपकाकर अपना वक्त सुधारना चाहता है। दूसरी तरफ कुंदन पाहन, जो कल तक राजा पीटर के गुनाहों का राजदार था, आज उसके सामने दो दो हाथ करने को तैयार है। गुनाह का शतक लगा चुका है, लेकिन कह रहा है कि वो हर सजा भुगतने को तैयार है। फैसला आवाम के हाथों में है कि मौजूदा वक्त में तमाड़ की राजनीति में वो किसे रहनुमा चुनती है। लेकिन फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि झूठे वायदे से कोई महफिल सजा रहा है तो कोई जुर्म की आंच में सियासत की खिचड़ी पका रहा है। मुमकिन है अब प्रदेश के सूरत हाल बदल जाएं, क्योंकि गुनाह का शतक लगाने वाला सियासत में किस्मत आजमा रहा है। बेशक ये कटाक्ष है, लेकिन मौजूदा सियासत, मौजूदा राजनीति का यही कड़वा सच है।